गाजियाबाद की मोदी नगर कॉलोनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पैदल जनसंपर्क। लोगों ने राजनाथ सिंह पर फूलों की बारिश की। जनता से अपील करनी थी वो कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 31 जनवरी को करहल सीट के लिए नामांकन भरेंगे। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव। गठबंधन के लिए बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का फिर पलटवार, कहा कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। जयंत ने यूपी में अखिलेश के साथ किया है गठबंधन। आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी। योगी के खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान अब तक नहीं। लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम है। दारा सिंह चौहान को घोसी से टिकट दिया है। यूपी के गाजियाबाद में कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए सचिन पायलट ने वोट मांगे। राजस्थान से गाजियाबाद पहुंचे सचिन ने बीजेपी पर जमकर हमले बोले। पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान। पंजाब दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा जल्द होगा पंजाब में सीएम के उम्मीदवार के नाम का ऐलान। कार्यकर्ताओं से की जाएगी चर्चा। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर। राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने उठाई सीएम उम्मीदवार की मांग। सिद्धू बोले जिसे सीएम का चेहरा घोषित करेंगे वो सभी को मान्य होगा। हमें कोई निर्णय हो बस दसवीं को उड़ाना बना दो बाकी सब ठीक है। अमृतसर में राहुल गांधी ने लंगर में खाया खाना। बाद में एक ही गाड़ी में राहुल गांधी के साथ सवार हुए मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू। सिद्धू बोले पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एकजुट है? पहले से ही थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खटीमा सीट से नामांकन पर्चा भरा। बोले सभी का आशीर्वाद बहुमत के साथ जीतेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज बीजेपी में हो गए शामिल। 12 जनवरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया था। उत्तराखंड में बीजेपी को झटका। टिहरी से बीजेपी के विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस ज्वाइन की। हरीश रावत की मौजूदगी में थामा कांग्रेस का हाथ। यूपी के बदायूं में कांग्रेस प्रत्याशी फरहान नईम ने पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह पर उत्पीड़न और अभद्रता का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोकर लगाए आरोप, चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। मैंने टिकट ला करके दिखाया और अब कमजोर नहीं है। मेरी कमजोरी होती अगर मैं टिकट पहले दावेदारी वापस लेती। रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भरा नामांकन। रामपुर की स्वार सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। स्वार सीट से ही विधायक हैं अब्दुल्ला। यूपी के अमरोहा से समाजवादी उम्मीदवार मुखिया कुमार का अजीबोगरीब बयान। बीजेपी विधायक को दे दी डकैती की धमकी। इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचा। अरे जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे इनकी ऐसी की तैसी। यूपी के झांसी में समाजवादी पार्टी के नेता का नोट बांटते वीडियो वायरल। सवाल पूछा गया तो कहने लगे नोट बांटकर जनता की कर रहे हैं मदद। यूपी के मुरादाबाद में एसपी विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने एसपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। इकराम कुरैशी बोले मुसलमानों के खिलाफ हैं अखिलेश यादव। यूपी के कानपुर देहात में बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा शुक्ला पर आचार संहिता के नियम तोड़ने का आरोप। भीड़ जुटाकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। न मास्क दिखे न सामाजिक दूरी। यूपी के बुलंदशहर में बीएसपी प्रत्याशी मणिवीर गुर्जर के कार्यक्रम में टूट गए आचार संहिता के नियम। जनसंपर्क के दौरान भीड़ नजर आई, मास्क भी नहीं दिखा। उत्तराखंड के झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का टिकट कटा। टिकट कटने पर रो पड़े। कारण तो निशंक जी बता सकते हैं, कारण तो यतीश्वरानंद जी बता सकते हैं जिन्होंने मेरी पत्नी से इस्तीफा दिलवाया।
और फिर राज्यपाल जी को ज्वाइन कराया। बीजेपी से बगावत कर मनोहर परिकर के बेटे उत्पल परिकर ने पणजी सीट से निर्दलीय नामांकन किया। नामांकन से पहले गोवा में महालक्ष्मी के मंदिर में पूजा की। पणजी की जनता का सपोर्ट मिलेगा ऐसी उम्मीद है और विश्वास है। एमपी के सागर में सेल्फी पॉइंट तोड़े जाने पर सियासी संग्राम, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस का लाठीचार्ज, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। रेलवे परीक्षा पर छात्रों की हिंसा मामले में पटना में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों पर केस दर्ज, छात्रों को भड़काने का आरोप लगा। छात्रों को भड़काने के आरोपों पर एबीपी न्यूज से बोले खान सर, कहा हिंसा के लिए नहीं उकसाया। हम तो जयपुर में लोगों को बोले हैं कि 26 जनवरी ये कोई प्रोटेस्ट मत बोलना। अभी आपके सामने हम लाइव बोले हैं आरा के, बक्सर के, नवादा के, जहानाबाद के, गया के लड़कों को कि 26 जनवरी में कुछ प्रोटेस्ट नहीं करना। पटना में कमरों में घुसकर छात्रों की पिटाई का वीडियो आया। वीडियो बनाने वाले युवक का दावा पुलिस ने पीटा। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दिल्ली में एक महिला का अपहरण कर चेहरा काला करने और बाल काटने का वीडियो सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर गैंग रेप का केस दर्ज, पुलिस ने चार महिलाओं को भी पकड़ा है। बिहार में फिर बेखौफ बदमाश, हाजीपुर में घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद आरजेडी विधायक ने धरना दिया, पुलिस से हुई बहस। बिहार के मधुबनी में जमीन विवाद पर फायरिंग, दो लोगों को गोली लगी, पूरे हंगामे में 6 से ज्यादा घायल हुए। बिहार के बक्सर में 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जहरीली शराब से मौत होने की आशंका, बिहार में है शराबबंदी। यूपी के पीलीभीत में बदमाशों ने लूटपाट के बाद युवक को गोली मारी। नकाब पहनकर आए बदमाशों ने 31,000 नकद, मोबाइल और लैपटॉप छीना। वसूली कांड में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए फिर भेजा गया नोटिस। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले 2 बार बुलाया था लेकिन नहीं पेश हुए थे परमबीर। शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या की कोशिश केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। 10 दिन तक गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। डीडीएमए की बैठक में फैसला, कोरोना केस कम होने की वजह से हटी हैं पाबंदियां। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। महाराष्ट्र में वाइन की बिक्री पर बड़ा फैसला, सुपरमार्केट या जनरल स्टोर में हो सकेगी वाइन की बिक्री, महाराष्ट्र कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 2,86,000 नए केस रिपोर्ट हुए, 573 लोगों की जान गई। राहत की बात ये कि इस दौरान 3,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, लेकिन अब मृतकों के आंकड़े को कम करने पर जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर को कोरोना संक्रमण हुआ, ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी। लता मंगेशकर की सेहत में धीरे धीरे हो रहा है सुधार, अभी भी आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। कोरोना संक्रमित हुई हैं लता मंगेशकर। अभिनेत्री श्वेता तिवारी के आपत्तिजनक बयान का मुद्दा गर्मा गया। भोपाल के अटल पार्क में हुआ प्रदर्शन, श्वेता तिवारी से माफी मांगने की मांग। वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान अभिनेत्री श्वेता तिवारी का भगवान शिव को लेकर विवादित बयान, बीजेपी ने हमला बोला, पुलिस जांच में बढ़ सकती है श्वेता तिवारी की मुश्किल। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दे, उसके बाद निर्णय लेते। चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश से अगवा भारतीय युवक मिराम तारोन को भारतीय सेना को सौंपा। 19 साल के युवक को 18 जनवरी को चीनी सेना ने कर लिया था अगवा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।